रांची के छात्र अभिषेक रवि के उड़ीसा में हुई मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है। मौत के विरोध में कांग्रेस के नेताओं ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी का पुतला दहन किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय और प्रदेश महासचिव आलोक दुबे, लाल किशोर नाथ सहदेव और राजेश गुप्ता ने न्याय मिलने तक आंदोलन करने की चेतावनी दी है। थोड़ा लंबा करिए, और पीछे अरे भैया, और जगह दीजिएगा तब ना, और पीछे आ जाओ दीपू भी है। और आपके शहर में ये घर नहीं लगी जाने और आप अपनी समझ में तो राज की जनता से बर्दाश्त नहीं किया हुई। आप देख रहे हैं कौन बात कर रहे थे, कौन एक दोष है चीजों को लेकर, और आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं हाथों में कैंडल लेकर लोग विरोध जता रहे हैं। अभिषेक रवि की जो मौत हुई है उसको उसकी मुखालफत कर रहे हैं। उड़ीसा सरकार हाय 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 उड़ीसा सरकार हाय हाय अभिषेक के हत्यारे को फांसी दो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, अभिषेक के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, घंटा रुक जा, आधा घंटा रुक जा, उड़ीसा सरकार हाय 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 उड़ीसा सरकार की हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, उड़ीसा सरकार पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, यही जांच करना होगा, करना होगा, करना होगा, सीबीआई जांच करना होगा, करना होगा, करना होगा, अभिषेक के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अभिषेक के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अभिषेक के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अभिषेक के हत्यारे की न्यायिक जांच करो, जांच करो, उड़ीसा सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, उड़ीसा सरकार इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए उड़ीसा के एक इंस्टीट्यूट में भेजा और 24 घंटे के अंदर उसकी मौत हो गई। ये सारा जो कहानी किया जा रहा है वो कि आत्महत्या कर लिया। सवाल ये है कि जो बेटा यहाँ से रांची से जा करके यहाँ रविदास मोहल्ले का बेटा वहाँ पढ़ने गया था वो क्यों होगा? ये एकदम हत्या का केस नज़र आ रहा है, इसलिए परिवार के सभी लोग मिलकर के सिंबॉलिक हम अपना विरोध जता रहे हैं और उड़ीसा सरकार से अपेक्षा करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच करे, एक दलित परिवार को न्याय दे, यही हमारी मांग है। और ये मांग हमारी जब तक पूरा नहीं होगा हम विभिन्न तरीके से अपना विरोध जताते रहेंगे। जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए इस बात को लेकर घर से निकला था कि मैं कुछ बन के वापस लौटूंगा, और 24 घंटे के अंदर में जिसकी निर्मम हत्या होती हो आप कल्पना कीजिए कि उस परिजनों का क्या हाल होगा। हम उड़ीसा सरकार से, हम केंद्र की सरकार से यह मांग करते हैं कि कम से कम इनके परिजनों को, रांची वासियों को, राज्यवासियों को यह जानने का अधिकार है कि उसकी मौत कैसे हुई, ये जानने का अधिकार नहीं क्या, या कोई गुनाह कर रहे हैं हम? हम यही मांग कर रहे हैं कि जिस बच्चे ने अपनी बात शिकायत मोबाइल के माध्यम से लोकल पुलिस को किया, FIR तक नहीं लॉन्च की जा रही है, न कोई कमेटी गठित की जा रही है, न ये कहा जा रहा है कि बच्चे की मौत किस स्थिति में हुई। हम इस संदिग्ध मौत की जांच CBI से कराने की मांग करते हैं। इनके परिजनों ने कहा है CBI जांच के नीचे हमें कोई गवारा नहीं है, हमने अपने लाल को खोया है, हमने अपनी जिंदगी की आशाओं और अपेक्षाओं को खोया है, हमने अपना सब कुछ खो दिया है। तो हम यूं शांत नहीं बैठ सकते। राजधानी के बच्चों की इस तरह से अगर निर्मम हत्या होगी, मौत होगी, तो फिर हमें कुछ कठोर निर्णय करने पड़ेंगे कि आखिर होगा क्या। अगर यहाँ के बच्चे पढ़ने जाएंगे, यहाँ के बच्चे खेलने जाएंगे, यहाँ के बच्चे दूसरे कामों में जाएंगे, तो क्या उसके साथ इस तरह की नाइंसाफी होगी? तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम रांची बंद जैसे कॉल करेंगे और हम जो है इस परिजनों को न्याय मिले इसके लिए वो हर मुकाम तक जाएंगे जहाँ हमें जाना होगा। देखिए, जिस हालात में रांची के लाल अभिषेक की संदिग्ध मौत हुई है, हम केंद्र की सरकार से, उड़ीसा की सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उसकी जांच होनी चाहिए और उसको न्याय मिलना चाहिए। हम CBI जांच की मांग करते हैं। हमारे रांची के जो सांसद हैं, जो केंद्र में मंत्री भी हैं,
उनको भी ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए। और वहाँ की सरकार, क्या यहाँ के विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाएंगे तो उनकी दो दिन में ही मौत हो जाएगी, और उसमें सारे लोग मिल गए हैं लिपापोती करने के लिए। तो ऐसे स्थिति में हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, हम इस आवाज़ बुलंद करेंगे। हम रांची के छात्र अभिषेक के साथ हैं, उनके परिजन के साथ हैं, वो सारे लोग आए हुए हैं। हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि उसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे हमारे इस मोहल्ला के नौजवान, होनहार नौजवान दलित परिवार से बिलोंग करता था और शिक्षा ग्रहण करने के लिए उड़ीसा गया, और दो दिन के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। घर वालों का आरोप है कि वहाँ पर उसकी हत्या हुई है। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के जिला प्रशासन, वहाँ की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस पर जरा भी सुध नहीं ले रही है। और उनके घर वालों का मानना है कि उनके बच्चा का हत्या हुआ है, क्योंकि जैसे बता रहे थे कि उनके दरवाजा का कुंडी भी टूटा हुआ था। तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और जिला प्रशासन और सरकार इस बात को छुपा क्यों रही है, FIR दर्ज नहीं कर रही है, तो जांच कैसे होगा? तो उनके परिवारों का ये दुख, इस संवेदना के दुख के समय में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आज पुतला दहन की गई है उड़ीसा के मुख्यमंत्री का, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और यहाँ भारत सरकार से, होम मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से आग्रह करते हैं कि एक दलित को न्याय मिल जाए। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।